Hey guys, welcome to Rohit Patel Vines. और आज हम जा रहे हैं जगन मौड़ा। ये बहुत दिनों बाद मैं लॉ कर रहा हूँ महाराष्ट्र का जो मिनी कश्मीर से बोला जाता है, जो कोल्हापुर ज़िले में गगन मौड़ा तालुका है, उधर हम जा रहे हैं। मेरे गाँव से 30 किलोमीटर है और कोल्हापुर से 60 किलोमीटर है। तो चलिए थोड़ा नैसर्गिक स्थान में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गगन मौड़ा को। और यहाँ पे मैं और मेरा भाई जा रहे हैं, देख सकते हैं सेफ्टी के साथ, हेलमेट भी पहना है मैंने, और अपने स्प्लेंडर पे जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गगन बावड़ा के यहाँ पे, और लगभग मेरे साथ और दो तीन दोस्त जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हैं, ये देखिए जन्नत, वेलकम टू स्वर्ग। नहीं नहीं, हम स्वर्ग में नहीं आए, स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या कोहरा ही कोहरा है, हर जगह पे कोहरा है। और दोस्तों, बारिश थोड़ी सी तेज हो चुकी है और पीछे का नज़ारा देखिए भाई, स्वर्ग से कम नहीं। और अब हम चलेंगे अंदर और मैं पीछे के कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा श्री क्षेत्र गगनगिरी आश्रम, किले गगन, यहाँ पे गगनगिरी महाराज ने वास किया था। और कोल्हापुर में काफ़ी फेमस है ये जगह। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट्स वगैरह है और काफ़ी कुछ मंदिरें वगैरह भी हैं। और साइड में देखिए क्या मौसम है, एक बार ज़रूर आई। कोल्हापुर से 60 किलोमीटर दूर कोकण मार्ग पे फुटबॉल लाइव, चलो ऊपर जाना है हमें अब। और कोहरा ही कोहरा,
और दोस्तों यहाँ पे हम मंदिर के आसपास आ चुके हैं। ये है मंदिर गगनगिरी श्री क्षेत्र। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, इसलिए बाहर आपको दिखाएंगे आज भगवान विष्णु। प्रार्थना वगैरह चल रहा है अंदर, और हम पिछले इलाके में आ चुके हैं जहाँ पे हमें घाट दिखेगा। यहाँ पे भी काफ़ी कोहरा है। और गाइस हम लोग जहाँ पे घाट दिखता है वहाँ पे आ चुके हैं, और दो तीन लोग पीछे रह गए। यहाँ पे पिछले कैमरा से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ कुछ ध्यान मंदिर, शंकर मंदिर, विठलाई मंदिर, पंचवटी, दक्षिण बाजू बुरुज, उत्तर बाजू बुरुज, गगनबाड़ा प्रदक्षिण मार्ग। तो यहाँ पे हम दक्षिण बाजू बुरुज और उत्तर बाजू बुरुज की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा है। और यहाँ पे वृक्षारोपण भी हो चुका है रिसेंटली। वाह, ये देखिए स्वर्ग। और यहाँ पे हम दक्षिण बुरुज, इस साइड है दक्षिण बुरुज और इस साइड है नहीं, इस साइड दक्षिण, हाँ इस साइड दक्षिण है, उत्तर दोनों इधर ही है। और यहाँ पे आगे आप देख लो किधर है, गर्भपीठ दरबा जो है वो बाएं बाजू में। और यहाँ पे टंकी वगैरह है, यहाँ पे टावर है। गाइस हम अब घाट के पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं जहाँ से घाट दिखता है। और यहाँ से आपको मैं पहले बैक कैमरा और अब हम लोग पानी के कुंड और यहाँ पे जो मस्जिद है वहाँ पे जा रहे हैं। और जा रहे हैं ना पानी की ओर जा रहे हैं, करती क्या ना हिंदी करती क्या ना बोला माथी भेज दे माथी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी पर्यटक जो है वो आते हैं हर साल। बारिश में कुछ ज़्यादा ही लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश में देखने का जो मज़ा है वो दूसरे सीज़न में नहीं है, तो बारिश में आना ज़्यादा बेहतर होता है यहाँ पे। हजरत पीर गरबा के यहाँ पे आप मंदिर के साथ साथ जो दरगाह है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों धर्म के यहाँ पे मंदिर और मस्जिद और बहुत ही ज़्यादा सुहाना है हमें यहाँ पे दरगाह किले के अंदर। और उसी के पास में विठलाई देवी देवस्थान का मंदिर भी है, ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं
शीतलाई देवी देवस्थान भूतन देसाई लेकिनगढ़ दरगाह के पास में एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। बारिश जो है वो कम हो चुकी है और हम चल रहे हैं पानी के कुंड जहाँ पे है, और जहाँ पे भी जाएंगे आप वो यहाँ पे हरियाली आपको जरूर दिखेगी और कोहरा ही कोहरा जहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे लगेगा कि आप स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। लेकिन ये धरती का स्वर्ग है तो मज़ा लीजिए। यहाँ पे अभी काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स वगैरह जो है वो चढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ पे ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है जहाँ से आपका पैर आप सीधा जो है वो दरी में जा सकते हैं और माउंटेन हो सकती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे मैं हाइपरलैप्स लगा लेता हूँ ताकि आपको बोर ना हो ज़्यादा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं किले की बाउंड्री जो है वो यहाँ पे है, बहुत ही पुराना किला है, और यहाँ पे देख सकते हैं शिवाजी महाराज का इतिहास है इसमें, पत्थर देखिए कितने पुराने हैं, पानी की आवाज़ आ रही है नीचे से, और पानी तो सब जगह पे कोहरा ही कोहरा है। और फिर से बारिश आ चुकी है, ये देखिए जन्नत में हम जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरे फीलिंग को, समझ रहे हो, इतना ऑसम है ना नज़ारा भाई, बार बार आने का मन करेगा। यार गिम्बल होता ना तो मजा आ जाता है, कोई बात नहीं, तो बड़े यूट्यूबर बनेंगे तब फिर से आएंगे गिम्बल ड्रोन वगैरह लेकर। तो गाइज हम आ चुके पंचवटी पाना चे कुंड, यहाँ पे पानी का कुंड है जहाँ पे हम अब जाएंगे और पानी कुंड देखेंगे। बुर्ज तो हमने देख लिया है और अब यहाँ से हम पानी के कुंड देखने जाएंगे।